फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटी हमारे खाने का अहम हिस्सा है। अगर हमारे प्लेट में रोटी ना हो तो खाना अधूरा अधूरा सा लगता है। सभी लोगों की रोटी पकाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोग इसे तवे पर सेक कर खाते हैं और कुछ लोग इसे डायरेक्ट फ्लेम पर ही पका लेते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और रोटियां भी फूली फूली रहती हैं। लेकिन ये आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लेम के संपर्क में आने से ये खतरनाक हो जाता है। चलिए जानते हैं इसके नुकसान। जर्नल एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पब्लिश करी गई एक रिसर्च के अनुसार गैस स्टोव ऐसे एयर पॉल्यूटेंट का उत्सर्जन करते हैं जो हमारे सेहत के लिए खतरनाक है। इस बात पर WHO ने भी सहमति जताई है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो सांस और दिल की बीमारियों का खतरा उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी संभावना बढ़ जाता है। वहीं न्यूट्रिशन एंड कैंसर जर्नल में प्रकाशित दूसरे रिसर्च के अनुसार हाई फ्लेम पर खाना पकाने से कार्सिनोजेनिक उत्पन्न हो सकते हैं। आपको बता दें, गेहूं में निश्चित स्तर पर प्रोटीन और शुगर होता है। अभी इसे लेकर और रिसर्च होना बाकी है, लेकिन अब तक के रिसर्च को अगर देखा जाए तो डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी सेक कर खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे में बेहतर है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए डायरेक्ट फ्लेम पर रोटी सेकने की गलती ना करें।